हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सो आज का जो हमारा मॉडल पेपर है, जीके का मॉडल पेपर हम देखने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका ई बुक का कॉम्बो पैक है, 70 रुपीज़ में आपको क्या क्या मिल रहा है ज़रा एक बार देख लीजिए, और समझ में आए तो डेफिनेटली यू शुड ग्रैब इट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। या व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा है, यहाँ पर भी आप हमें व्हाट्सएप करके चीज़ों को ले सकते हो। इस ई बुक में आपको कंप्यूटर की ई बुक, रीजनिंग की ई बुक, करंट अफेयर्स की ई बुक, वीडियो का सॉल्यूशन मिलेगा आपको। मतलब जो भी क्वेश्चंस हैं ई बुक में उसका वीडियो के थ्रू सॉल्यूशन मिलेगा, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर और ई बुक ऑफ मेंटल एप्टीट्यूड, कॉमर्शियल मैथ्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सब कुछ आपको इस ई बुक में मिल रहा है 70 रुपीज़ में जस्ट ओनली। इतना तो आप लोग रोज़ डेली का डेली कुछ ना कुछ, जैसे किसी ने बर्गर खा लिया, किसी ने कुछ खा लिया, किसी ने क्या खा लिया, है ना। तो एक दिन का आप अपना वो छोड़ो और यहाँ पे इस ई बुक को लो, क्योंकि ये चीज़ आपको जो आपके फ्यूचर में हेल्प करने वाली है, कॉलेज के सिलेक्शन में मदद दिलाने वाली है। और उससे भी बम्पर ऑफर ये है कि ये क्रैश कोर्स और प्लस ई बुक जो मैंने आपको पीछे दिखाया, दोनों का अगर आप कॉम्बो लेते हो 199 रुपीज़ में, ये कॉम्बो आपको अभी दिया जा रहा है फॉर अ लिमिटेड टाइम। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, बाकी व्हाट्सएप नंबर भी आपको शो कर रखा है स्क्रीन के यहाँ पे येलो स्ट्रिप पर, तो आप वहाँ से चीज़ों को देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। बाकी यहाँ पे बीच में क्लास के डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया, तो स्टार्ट करते हैं। सिस्टमेटिक वे में देखो प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी, और इतना तो है कि आपको कोर्स प्रिपेयर करने के बाद आप में खुद में वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, आपको खुद लगेगा कि हाँ अब मैंने कुछ पढ़ा है, और फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम देने में भी मज़ा आएगी, डेफिनेटली मज़ा आएगी। बस मेहनत आप लोग कर लो, ये जो 30-40 दिन है इसको संवार दो, आपकी आने वाली जो कल है वो संवर जाएगा। बाकी जो फ्री प्लेलिस्ट है वो तो अवेलेबल है ही यूट्यूब पर हमारे, तो हर एक जो सब्जेक्ट है उसकी प्लेलिस्ट भी आपके सामने है, उसमें जितनी भी क्लास लगी हुई हैं वो सारी की सारी क्लास आपको एक तरफा 1 बाय 1 सारी की सारी कर लेनी है। ये नहीं सोचना है कि वो पिछले साल की या किस साल की है। अगर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में इंग्लिश आ रही है तो इंग्लिश की प्लेलिस्ट में लगी हर क्लास इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ही आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम हैज़ लीस्ट मास, मतलब मास जो है सबसे कम किस सोलर प्लैनेट के पास है। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें आपका बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड सॉइल डे हम मनाते हैं ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 5 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम कब मनाते हैं। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम मनाते हैं 5 जून को, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको बताना है, कैरोलिना अर्नोल्ड, स्ट्रैबो, मेगस्थनीज या फिर नन। तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज स्ट्रैबो के द्वारा ज्योग्राफी का लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अगेन एक ये बुक का नाम है, किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की बात करें, ये लिखी गई है अरुंधति रॉय के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, चिपको मूवमेंट से कौन रिलेटेड है। सुंदरलाल बहुगुणा जोशी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो चिपको मूवमेंट से सुंदरलाल बहुगुणा जोशी रिलेटेड है, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, और चिपको मूवमेंट किससे रिलेटेड था, ट्रीज को बचाने के लिए था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये आपका कब शुरू हुआ था। तो करेक्ट आंसर इसका बनने वाला है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1920, याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे, साइमन कमीशन कब आया था भारत में,
ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो इसका सही आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1928, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किस गैलेक्सी का पार्ट है? बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी को पता होगा कि ऑप्शन बी जो है मिल्की वे इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट टेक्स लीस्ट टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस? तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज जुपिटर। सबसे कम समय लेता है ये एक रोटेशन कंप्लीट करने में। आगे बढ़ते हैं, सोलर एक्लिप्स ऑकर्स व्हेन? तो सोलर एक्लिप्स कब होता है? जब सन अर्थ और मून के बीच में आ जाता है, जब मून जो है अर्थ और सन के बीच में आ जाता है, या जब अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून? करेक्ट आंसर आपका बनेगा, जब मून जो है वो अर्थ और सन के बीच में आता है तब सोलर एक्लिप्स होता है, जिसे हम सूर्य ग्रहण भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, ऑन एवरेज एयर कंटेन्स -% ऑफ वाटर वेपर, तो एयर में कितना परसेंट वाटर वेपर रहता है ये आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 3%। आगे बढ़ते हैं, और ध्यान रखेंगे कि आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम 5 वीडियोस देख लें, 10 वीडियोस देख लें और फिर हमारा उसी में से फंस जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको रेगुलर स्टडी करनी पड़ेगी, हर एक क्लास आपको देखनी पड़ेगी, तब आप कह सकते हो कि हाँ अब आप तैयार हो। हर एक सब्जेक्ट को पकड़ के चलना है, छोड़ना नहीं है। रीजनिंग आपको आसान लगती है, बट अगर एग्जामिनर चाहे तो उसमें भी आपको छका देगा, इसलिए सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हुए चलना है, जो कि हमने ई बुक में कवर कर रखा है, और प्लेलिस्ट भी आपके सामने बनी हुई है। ठीक है, तो चीज़ों को आप देखेंगे, एक दो क्लास करके अपने आप को शहंशाह या ये मत समझिएगा कि आपको सब कुछ आ गया या पूरा पेपर उसी में से आ जाएगा। एक दो क्लास में से कुछ नहीं होगा, बच्चे ऐसे ऐसे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, हर एक क्लास को मार्क कर कर के पढ़ रहे हैं कि आज मैंने ये क्लास कर ली, आज मैंने ये क्लास कर ली। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक क्लास करनी है, तब एक्सपेक्ट करना है कि तब रिजल्ट मिलेगा। जब मेहनत आप करोगे तो रिजल्ट आपको अपने आप मिलेगा, बस ये बात याद रखना। आज ही से, अभी से स्टार्ट कर दो, जब भी आप ये मेरी बात सुन रहे हो तब से स्टार्ट कर दो, लेकिन जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से स्टार्ट करो, रिजल्ट जरूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू, आपने देखा होगा कि जो बच्चे कहते हैं या हम लोग भी बोलते हैं कि तारे चमक रहे हैं, है ना, वो जैसे कि डिप एंड डाउन वाला जो होता है ना, टिपटिपा टिमटिमाते हैं जैसे तारे, है ना, टिमटिमाते हैं, तो वो टिमटिमाते क्यों हैं? क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, बहुत सारे पार्टिकल्स, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं स्काई में, और जिसकी वजह से वो लगता है हमें कि वो जो है स्टार्स आर ट्विंकलिंग, बट दे आर नॉट एक्चुअली, वो हमें रिफ्रैक्शन की वजह से लगता है। ठीक है, तो ये याद रखना है बात। आगे बढ़ते हैं, कॉइंस ऑफ विच मुस्लिम रूलर बीन इमेज ऑफ देवी लक्ष्मी, इसमें से कौन वो मुस्लिम रूलर था जिसने कॉइन निकाला था उस पे देवी लक्ष्मी जी की इमेज थी? करेक्ट आंसर आपका बनेगा मोहम्मद गौरी ने। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी रूल्ड आफ्टर द इन्वेजन ऑफ तिमूर, तो तिमूर के इन्वेजन के बाद किस डायनेस्टी ने रूल किया? करेक्ट आंसर बनेगा सैयद डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू, तो दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफर किया था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। लाख बख्श की उपाधि किसको दी गई थी, या लाख बख्श किसे बोला जाता है? इल्तुतमिश को, बलबन को, मोहम्मद बिन तुगलक को, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक को? सो करेक्ट आंसर आपका बनेगा कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लाख बख्श भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, तो गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही होगा, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ही
फाउंडर था स्लेव डायनेस्टी का, तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। ठीक है, तो फर्स्ट रूलर भी वही होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेम द सुल्तान हु इंट्रोड्यूस्ड रैशनिंग सिस्टम इन इंडिया। रैशनिंग सिस्टम इंडिया में कौन सा सुल्तान लाया? गियासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक। सो यहाँ पे अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन बी दैट इज अलाउद्दीन खिलजी जो है ये रैशनिंग सिस्टम लाया था इंडिया में, याद रखना है आपको। और ये हमारी फ्री प्लेलिस्ट जो मैंने आपको बताया, आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे 239 आपको दिखाई दे रहा है, बट अभी आप जब देखोगे तो ये 239 से भी ज़्यादा क्लासेस हो चुकी हैं हमारी सिर्फ और सिर्फ जीके की। तो हर एक क्लास को चाट डालिए, पढ़ डालिए, अब तो आपके पास समय ही समय है, सारा समय आप झोंक दीजिए। बोर्ड रिजल्ट आपका आ चुका है, पास आप हो चुके हो अच्छे नंबरों से, लेकिन अब जो आपका जो एग्ज़ाम होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो आने वाले 3-4 साल आपके तय कर देगा कि आपकी स्टडीज़ किस तरीके से होंगी, आप कैसे पढ़ोगे, फिर उसके बाद आपका आने वाला कल कैसा होगा। तो वो टाइम आपके पास अभी है, ये 30 से 40 दिन आप अपने आप को झोंक दो। पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो तो कर लो, वहाँ पे भी आपको हर एक सब्जेक्ट का डिटेल वीडियो मिल जाएगा, डिटेल क्लास मिल जाएगी और प्रॉपर स्टडी आपकी होगी। और ये जो फ्री प्लेलिस्ट है इसमें भी आपको हर एक क्लास करनी है, छोड़ना नहीं है, हर एक क्लास इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक क्लास में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं, किसी में हिस्ट्री से, किसी में सिविक्स से, किसी में ज्योग्राफी से, किसी में कहाँ से, किसी में कहाँ से। और जब ये सब आपका क्लास आप कर लोगे तब आप फुल पैक बनोगे। तो याद रखना है, सिस्टमेटिक तैयारी अब स्टार्ट कर दीजिए, हर एक सब्जेक्ट पर ध्यान रखते हुए चलेंगे। सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको एक तरफ़ा अटेंड करनी है, बाकी मैंने आपको ये कोर्स और ईबुक के बारे में, क्रैश कोर्स और ईबुक का कॉम्बिनेशन 199 रुपीज़ में अब हो गया है, बाकी जो ईबुक अगर आप सिर्फ लेना चाहते हो तो उसका भी मैंने बता दिया है, फ्री जो प्लेलिस्ट है उसका भी बता दिया है। अब सब चीज़ सारा का सारा कंटेंट आपके सामने है, अब आप चाहो कि मैं आपके घर पे आके पढ़ाऊँ, ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, पढ़ना आपको ही पड़ेगा, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। और आप करोगे, डेफिनेटली करोगे, जस्ट सोचो, बस उस लम्हे को सोचो। मैं हर एक वीडियो में यही बोलता हूँ, हर एक क्लास में यही बोलता हूँ कि यार वो लम्हा सोचो जब आपका नाम आएगा एंट्रेंस रिज़ल्ट, वो खुशी कितनी होगी। आप अपने माता पिता को कहोगे कि देखो पापा, देखो मम्मी, मेरा नाम आया है, मैंने सेलेक्शन लिया है एंट्रेंस एग्ज़ाम में, एंट्रेंस दे कर क्वालिफाई किया है और एडमिशन लिया है LU में या कहीं भी। तो वो लम्हे को सोचो और उसके लिए काम करो, अभी से सारी की सारी क्लासेस करो, पढ़ो अच्छे से, अपना ख्याल रखो और अपने घर वालों का ख्याल रखो, पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा, बशर्ते आप मेहनत करो। जय हिंद, जय भारत।